सोच रहा हूँ कि मैं मॉडर्न विलेज में वायरल करूँ कि तेरी रिश्तेदारी में बोली तो जोर से। ओके नमस्कार, आरजी न्यूज पर आपका स्वागत है। थाना भोजीपुरा मॉडल विलेज, जहाँ पीड़ित पक्ष रहते हैं और इनकी ये परेशानी है कि ये इनकी जो बहन थी उसके पड़ोस में रहने वाले कोई किराए पड़ोस में रहते थे, उनके साथ उस लड़की का चक्कर हुआ। चक्कर में ये लोग आपस में एक दूसरे को फ़ोटो फेसबुक मैसेंजर पर अपलोड हुए, उसके बाद अश्लील फ़ोटो थे उस लड़की के। अब वो लड़का और कुछ अन्य जो व्यक्ति हैं उसको, उस लड़की को, उसके परिवार भैया को वो मैसेज भेज रहे हैं कि 50,000 रुपये दीजिए, नहीं तो हम आपकी बहन के फ़ोटो अपलोड कर देंगे। हाँ मैडम, क्या ना भोजीपुरा पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सुनिए उन्हीं जवान, देखते रहिए आरजी न्यूज। मॉडर्न विलेज और क्या नाम है, दोहना के पास में थाना भोजीपुरा का एक केस आया है। एक लड़का और एक लड़की का कम से कम 1.5-2 साल पहले अफेयर था। तो जब वो अफेयर था, फिर उसके बाद में कोई ऐसे कारण हुए कि वो अलग हो गए। उस बीच इन दोनों के आपस में जो भी फोटो रहे हों, जैसे भी रहे हों, अब उस लड़के ने क्या किया कि उसकी आपत्तिजनक लड़की के फोटो, अब आके ये 19-20 तारीख की रात की बात है, उसके भाई के फ़ोन पे सेंड किए और कहा कि रिकॉर्डिंग करी, नंबर से अपने रिकॉर्डिंग भेजी कि आप अगर मुझे 50,000 रुपये नहीं दोगे तो मैं इसका पूरे विलेज में रिश्तेदारों में ये वायरल कर दूँगा। उस लड़के लड़की के भाई का कहना यह है, जब वो मेरे पास आया उसने मुझे ये बताया कि मैम हमने थाने में भी इसके एक एप्लीकेशन दी थी, बट थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो आज धमकी उस लड़के ने दी है। कौन से थाने में? नहीं, थाना भोजीपुरा की बात है। लड़का धमकी दे रहा है, लड़की वो जो है ना अपराधी प्रवर्तिका है। वो क्या करते हैं, वो लोगों ने कई ग्रुप है, उनके कई लड़कों का साथ है। वो क्या करते हैं, लड़कियों को फंसा के उनके वो जो फोटो होते हैं आपत्तिजनक करके फिर दूसरे पे शेयर करते हैं। तो उसके भाई की मैं फ़ोटो सेंड करें, हो सकता है लड़की के रहे हो। अब क्योंकि देखिए बेटी है, भले ही जो भी रहा हो उसे अब किस तरह से उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरह से फिरौती हो गई। लड़की को बदनाम करने के पते जरा उसके फ़ोटो डाले, रिकॉर्डिंग भेजी है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आपको दूंगी, वो नंबर भी मेरे पास है, वो तहरीर भी आई हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि SSP महोदय से और DM साहब से, ADG से सबसे प्रार्थना करती हूँ कि इसे संज्ञान में लेके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर कार्रवाई होगी तो बेटे सुरक्षित होंगे। इधर आजकल लड़के भी इतना हो गए हैं कि आपत्तिजनक फोटो शेयर करते हुए डर भी नहीं आया, फेसबुक पे डाल रहे हैं, लड़की के भाई के मोबाइल पे डाल रहे हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास सारी। कुछ होने के बाद में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो गलत है, क्योंकि अगर हम लोग अगर बेटियों को सुरक्षा नहीं देंगे, हम लोग एक तरफ बेटी बचाओ बेटी का नारा, थाने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उसको बुलाया छोड़ दिया गया जबकि सारे सबूत हैं। सबूत होने के बाद में भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये निंदनीय है। थाने में कब दी एप्लीकेशन? उन्होंने परसों ही दी थी, 19-20 तारीख की बात है, तभी दी थी। उसने बोला था मुझे दी थी तहरीर उन्होंने, और उस लड़के को बुलाया भी था, पकड़ा था, फिर छोड़ दिया उसको। तो ये तो गलत है, कार्रवाई तो होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो वो दूसरों को ऐसे ब्लैकमेल ना करें। क्या नाम है आपका भैया? राजन कश्यप। कहाँ रहते हैं आप? मॉडर्न विलेज धोना, नई का रोड, बरेली। थाना कौन सा पड़ता है आपका? थाना भोजीपुरा। अच्छा, तो क्या क्या समस्या है बताइए आप पूरी बात। समस्या सर ये है, मेरे पास 18 तारीख को रात में करीब 10:17 पे एक व्हाट्सएप पे मेरे पास अज्ञात नंबर से मैसेज आया था। मैसेज क्या आया था, उसमें मेरी बहन के अश्लील फ़ोटो थे। उसने मेरे मैंने अपनी बहन को देखा उस फ़ोटो में, और इतनी देर में उसको सही से सेव कर पाते, देर में उसने व्हाट्सएप से डिलीट कर दिए सारे नंबर, मैसेज जो भेजा था वो सारे मैसेज उसने डिलीट कर दिए। फिर वो मेरे से चैट करता रहा, फिर मेरे से कह रहा था वो, अगर तू 4 दिन के अंदर ये तूने मुझे 50,000 रुपये नहीं दिए तो मैं तेरे ये बहन के फ़ोटो हैं तेरी मॉडर्न विलेज में तेरी रिश्तेदारी में वायरल कर दूँगा। फिर मैं घबरा गया, मैंने सोचा शायद ये फ़ोटो कंप्यूटराइज एडिट है। तो मैं सुबह उठा, जाके थाने गया, थाने में जाके प्रार्थना पत्र दिया कि सर मेरी क्या कहते हैं मेरी बहन के फ़ोटो वायरल हो जाएंगे, असली फ़ोटो कंप्यूटराइज एडिट किए गए हैं, अगर मैं 50,000 उसे नहीं देता हूँ 4 दिन के अंदर तो मुझे वो मेरे ध्यान से माननी धमकी भी मैं लिखती हूँ। जो मेरे समझ में आया उसके घड़बड़ा गया था, भाई मैं क्या कर सकता हूँ बताऊँ। फिर मैं जो भी हुआ, फिर उसके बाद पुलिस ने थाने में दरोगा जी थे ललित कुमार जी, उनसे बात हुई तो फोन के टच में था, उन्होंने मुझे फिर क्या कहते हैं, फिर दोपहर में जब मैं घर आ गया था वहाँ से,
तो दोपहर में मेरे पास फिर एक मैसेज आया उसी का कि अगर तू मेरे से क्या कहते हैं ज़्यादा तू अपना दिमाग चला रहा है जो तूने अपने स्क्रीन शॉट रिकॉर्डिंग ले ली है, अगर तू यहाँ करेगा तो मैं तुझे 10 लड़कों के ग्रुप में फंसा दूंगा, अपने 10 लड़कों के ग्रुप का तुम्हें उसे फंसा दूंगा। फिर मैंने तुरंत दरोगा जी को फ़ोन किया, दरोगा जी ने मुझे थाने बुलाया, दरोगा जी थाने बुला के मुझसे पूछा किस पे सब किस पे तुमको, तो सर जो मेरे पास रिकॉर्डिंग थी पहले उस जो मैंने रिकॉर्डिंग सेव की थी जो फिर मेरे मुझे अपने भाई पे शक था जो मेरे मामा का लड़का है, जो मेरे मामा का नाम गंगाराम है, गंगाराम है उनको जो मेरे मामा का लड़का उसका नाम सत्यवीर कश्यप है, तो मुझे लगा शायद आवाज़ उसकी है। तो सबसे पहले मैंने अपने अम्मा नानों को बुलाया, मैं नाना नानी को, फिर नाना नानी को मैंने उनको बताई कि देखो आवाज़ सुनो किसकी आवाज़, तुम उन दोनों ने उसकी आवाज़ पहचान ली, तो मेरी नानी मेरे से ही घर में कह रही कि तुम किसी का नाम मत लेना, किसी का नाम मत लेना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, घर तबाह हो जाएगा तुम्हारा, तुमने तुम्हारे पास कुछ रह नहीं किया है तुम। फिर मैंने अपने मामा को भी सुनाई ये बात, उसके पापा हैं, उसके पापा ने सबसे पहले नाम लिया कि सत्यवीर है, ठीक है। फिर इसकी बहन अगले दिन मेरे घर पर आई, उसने भी मेरे से पूछा, उसने बताया कि हाँ सत्यवीर से ही आवाज़ मिलती जुलती आ रही है, उसकी बहन का नाम है सोनी, ठीक है। अब मैं फिर क्या कहते हैं दरोगा जी इसे क्या कहते हैं ले गए थे इसे, फिर बोले बोले सब किस पे है, तो मैं सतवीर को बताया, तो सतवीर को ले गए यहाँ से, वो ले जाने के बाद वहाँ पे इनने थोड़ी देर बाद दरोगा जी का फ़ोन आया मेरे पास, बोले तू थाने आ जा। मैं थाने गया तो सतवीर ने मुझे इस बारे में नहीं पता था कि मेरी बहन ने असली फ़ोटो भेजी ही है कंप्यूटराइज एडिटर, मुझे नहीं पता था, उसने मेरी बहन ने भी मेरे से झूठ बोला, ठीक है। पर मुझको 50,000 रुपये की धमकी दी गई है, वो मेरे पास स्क्रीन शॉट है उसके, सब कुछ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने मीडिया को मतलब सबको प्रशासन को और दरोगा जी को सबको व्हाट्सअप किया है, ठीक है। अब वहाँ पर जाके दरोगा जी ने मुझे बुलाया, दरोगा जी बोले क्या है भाई तेरी बहन का पहले से ही इसका लफड़ा चल रहा है, ये है वो है, मेरी मम्मी से भी कहा गया, अब बताओ। मुझे नहीं पता था इस बारे में, मैं उस टाइम शांत हो गया। तो दरोगा जी ने मामला ठंडा करके इसको सत्यवीर को वहाँ से छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या कहते हैं उन्होंने छोड़ा वहाँ से, छोड़ने के बाद फिर मुझसे बोले उन लोगों को जाने दे तो 2 मिनट बैठ जा, मुझे 2 मिनट उन्होंने बैठाया वहाँ। थोड़ी देर बाद मेरे से कहा बेटा देख जो भी है, मैंने कहा सर क्या कहते हैं बताओ मैं क्या करूँ, मेरे पापा के ऊपर कैसी बीत रही मैं जानता हूँ, ठीक है मेरे ऊपर क्या बीत रही है। तो उन्होंने कहा देख जैसे तेरी बहन है मेरी बहन है, दरोगा जी ने ये बात कही मुझसे, ठीक है। फिर बोले देख जो भी है 2 दिन के अंदर मैं इसके पकड़ के तेरे सामने लोकेशन डाल दूँगा, तेरे सामने रख दूँगा। मैंने कहा थैंक यू करके वहाँ चला आया। फिर अगले दिन वहाँ पे मैं जब सुबह से शाम हो गई कुछ समझ में नहीं आया, मैं शाम को फ़ोन किया, फिर दरोगा जी ने कहा तो 5 मिनट के अंदर नैनीताल रोड पे करबला पे अभयपुर वहाँ पहुँच, वहाँ मैं पापा को लेके गया। मैं पापा को लेके गया वहाँ पे, जब गया तो दरोगा जी ने कहा बंदो सच सच बताओ, तो हमने सारी सच्चाई तो तुम्हें पता नहीं था, हमें सच्चाई बाद में मालूम पड़ी, हमारी बहन ने भी झूठ बोला, जब वहाँ से आ गए थाने से तब हमें मालूम पड़ा, तो हम सारी सच्चाई भी दरोगा जी को बताई। दरोगा जी बोले चलो ठीक है, मुझे उसकी लोकेशन पता चल गई है कि लड़का सजानपुर का है, ऋषभ सक्सेना इसका नाम है, जो तुमको ये मैसेज भेज रहे हैं जो उसने रिकॉर्डिंग भेजी है जो भी है। तो फिर हम आ गए, अगले दिन हमने फिर फ़ोन किया इनको शाम तक, तो उन्होंने मेरे से कहा दरोगा जी ने, पता नहीं दरोगा जी ने कहा कि किसी ने फ़ोन उठाया वहाँ से कि तू सब जानता तेरी बीवी को सब पता ही है वो है, कि उन्होंने बीवी से पूछताछ की नहीं कि मैंने बीवी जो बताएगी उतने तो बताएगी, मुझे बीवी से क्या लेना देना भाई, आपको जब लोकेशन पता चल गई सब कुछ हो गया तो आप वहाँ पे लड़के को पकड़ो, 24 घंटे हो क्यों नहीं पकड़ा गया। तो फिर मुझसे बोला भी इसमें टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा ठीक है। तो फिर भाई मैं क्या करता हूँ, तो मेरे साले साहब है पंकज, पंकज नाम है उनका, वो हल्द्वानी में रहते हैं, तो उनसे मैंने उन्होंने मुझे क्या कहते हैं सलाह दी, राय दी, उन्होंने नंबर दिया मुझे पत्र से। अब आप मुझे भैया बताइए कि मैं क्या करूं, अभी तक पुलिस प्रशासन ने इतनी भीड़ ला रखी कि अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, जो आरोपी है मुझे आज उसने आज आखिरी दिन है मेरे पास, उसने जो मुझे धमकी दी थी धमकी का आज आखिरी दिन है। अब बताओ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या, मेरे परिवार को कि बिल्कुल क्या कहते हैं इनकी जान को खतरा है मेरे परिवार को, मुझे पुलिस से सुरक्षा चाहिए मेरे परिवार के लिए। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ किसके पास जाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार्रवाई क्यों आगे नहीं बढ़ी की जा रही है। थाना भोजीपुरा में संपर्क किया आपने? हाँ थाना भोजीपुरा में संपर्क किया मैंने। अच्छा हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? थाना भोजीपुरा संपर्क किया तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा था दरोगा जी से, दरोगा जी ने मेरे से कहा अपनी सुरक्षा स्वयं करें आप, टाइम लगेगा उसमें जो आरोपी है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ सर जो भी है ये, अगर मेरी बहन गलत है उसे भी पकड़ो, और जो आरोपी मेरे को मैसेज क्यों भेजा है इसने और क्यों फिरौती मांगी मेरे को, जो आरोपी इसे भी पकड़ो,
और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए बिल्कुल, मेरे परिवार पे जरा सी आधी आँच ना आए बिल्कुल। ठीक है, हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला है। अच्छा, क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? मेरी लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है, और क्या कहते हैं, मैं क्या कहूँ, मेरी लड़की अपना इंसाफ मांग रही है। अगर उसने किसी से प्यार किया था तो उसका उसने गलत फ़ायदा उठाया, और एक नहीं है, उससे कई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उसकी फ़ोटो लेके गलत उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरे लड़के को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं गरीब हूँ बहुत, और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूँ पैसा, और मेरे लड़के की जान को खतरा है, हमारे पूरे घर की जान को खतरा है। क्या क्या पैसे मांग रहे हैं? 50,000 रुपये मांग रहे हैं वो लोग। अच्छा, और आज का आखिरी दिन है, मैं कहाँ से पैसा दूँ? पुलिस में पूछा आपने? पुलिस कार्रवाई कर रही? नहीं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मैं बराबर भाग रही हूँ। मैं एक दिन में तीन बार मैं थाने गई, तीन तीन बार मैं थाने गई। मेरे लिए सिर्फ यही कह दिया जाता है कि बस आप थोड़ा शांत रहो, लॉकडाउन की वजह से कोई कार्रवाई नहीं बढ़ रही है बस। और जिस लड़के के मैसेज आ रहे हैं वो लड़के को भी नहीं पकड़ा जा रहा है, जब उसका नाम पता सब पता चल गया तो उसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? किसी अच्छे इंसान की मंत्री की या किसी की लड़की होती तो अब तक एक्शन हो जाता। मैं गरीब हूँ इसलिए मेरी लड़की के लिए एक्शन नहीं उठाया जा रहा कुछ भी। क्या चाहती हो आप? मैं अपनी लड़की का इंसाफ चाहती हूँ, और जो मेरी लड़की के पीछे लगे हैं, अगर मेरी लड़की ने विनय से प्यार किया है तो उसको भी लाया जाए सामने, उसे भी पकड़ा जाए चाहे वो कहीं है, और मेरी लड़की बताएगी सारी बातें, और उसे पकड़ के और जो भी उसके शामिल हैं सब पकड़े जाए, जितने भी हैं, जो भी हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, पर जितने हैं सब पकड़े जाए। जिसने मैसेज भेजा है वो ही लड़का सब पकड़वाएगा सबको, क्योंकि सब दोस्त हैं ये। सिर्फ मेरी लड़की विनय से सवाल पूछे हैं उसने, क्योंकि उसके पास यहाँ कोचिंग नहीं थी, यहाँ कोई कोचिंग नहीं है, इसलिए उसने सोचा चलो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो मैं सवाल पूछ लूँ। अगर उसकी इसके बीच कोई बात हुई है तो मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे पता चला तो मैंने अपनी लड़की लखनऊ भेज दी। मैंने फिर कहा शादी कर देंगे, अब उसको नहीं पढ़ाएंगे, हमें सभी लोगों ने यही बात कही कि मैं शादी कर दूंगी। तो मैंने उसका वजन था 90 किलो, मैंने उसे कम करने के लिए, जिम नहीं है इसीलिए मैंने उसे लखनऊ भेजा जिम करने के लिए, और 1.5 साल बाद आज एक्शन उठा इस बात पे। ठीक है।